गाइस इस पे पिस्ता डाल रही हूँ मैं, क्योंकि बिना पिस्ते के गुजिया पता ही लगती नहीं है कि रेडीमेड है या घर से बनी है। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, कैसे हो? स्वागत है शोभा जी के किचन में आपका। और आज मैं बनाने जा रही हूँ चाशनी वाली गुजिया। एक मेरी सब्सक्राइबर है प्यारी सी गुरलीन, उन्होंने कमेंट किया है कि आंटी चाशनी वाली गुजिया बनाओ। वो पंजाब से हैं और उन्हीं की आज डिमांड से मैं बना रही हूँ, उन्हीं के कमेंट से। और बाकी सब सब्सक्राइबर के लिए भी गुजिया बनाऊंगी खोया बना के घर पे, क्योंकि मार्केट का खोया अच्छा नहीं आता, तो मैं खुद खोया घर पे बनाऊंगी। दूध है 2 किलो और एक थैली बच गई है, इसको थोड़ी देर में डालूंगी क्योंकि कढ़ाई छोटी पड़ गई तो दूध निकल जाएगा, थोड़ा सा जलेगा, उसके बाद फिर मैं इसको डालूंगी। तब तक ऐसा चलाती रहूंगी कि नीचे तले पे दूध ना लग जाए। खैर कढ़ाई का तला मोटा है, फिर भी आप चलाते रहें। गैस कढ़ाई छोटी पड़ गई थी तो मैंने 2 जगह दूध कर लिया है, इसमें भी उबाल आ गया है और इसमें भी उबाल आ गया है। लेकिन उबाल आने के बाद छोड़े ना, धीरे धीरे चलाते रहें जो तले के अंदर गलती से कहीं भी खोया ना लग जाए। खोया लगते ही महक आ जाएगी तो गुजिया बेकार हो। ये इधर भी मैंने दूध चला दिया, इसका खोया ही बनेगा, इसलिए बोल रही हूँ गाइस खोया ना लग जाए कि बनने के बाद, अभी तो नहीं लगेगा और बाद में लग गया तो इसलिए चलाते रहो उसे। गाइस मैंने पतीले का भी दूध इसमें पलट लिया है क्योंकि दूध जल गया है, खोया बन रहा है धीरे धीरे। देखो कितना गाढ़ा हो गया है, आप देख सकते हैं, गाइस दूध कितना गाढ़ा हो गया है। और अब इस स्टेज पर इस दूध को बिल्कुल चलाना ना रोकें, लगातार चलाते रहें, नहीं दूध जल जाएगा। देखो गाढ़ा होता जा रहा है, धीरे धीरे ये खोया के फॉर्म में आ रहा है, इसको लगातार चलाते देख सकते हैं गाइस कितना गाढ़ा दूध हो गया है। अब ये सिर्फ 5 से 7 मिनट इसको लगेंगे खोया फॉर्म में आने के लिए। गाइस देख सकते हैं अब ये धीरे धीरे लगातार चलाते जाए, नहीं तो नीचे से लग जाएगा। और फ्लेम मैंने लो टू मीडियम कर लिया है, तेज नहीं किया है। गाइस खोया बन गया है और इसको ठंडा होने को छोड़ूंगी, तब ये जम जाएगा अपने आप, क्योंकि ये घर का बनाया हुआ खोया है, इससे ज़्यादा करूँगी तो ये जल जाएगा और ज़रूरत होगी तो मैं दोबारा इसको अकोर लूँगी। लेकिन मैंने खुरच के खोया इकट्ठा कर लिया गाइस, अब इसको एक डोंगे के अंदर पलट लूँगी। 1 किलो दूध में कितना, 2 किलो दूध में इतना खोया निकला है, करीबन ये 2 किलो में 400 ग्राम के आसपास है, क्योंकि 1 किलो में भैंस के दूध में 250 ग्राम खोया निकलता है एक पाव। देख सकते हैं कढ़ाई बिल्कुल सफेद हो गई है खोया बनते बनते, और ये मेरा खोया इकट्ठा करके अभी गर्म है, ठंडा होगा तब मैं इसमें मेवा मिलाऊंगी, तब आपको दिखाऊंगी। गाइस खोया देख सकते हैं जम गया है और ठंडा हो गया है, लग रहा है ना एकदम मार्केट जैसा खोया। अब इसमें आधा खोया तो मैं इसको निकाल के रखूंगी, वो मैं इससे दूसरी डिश बनाऊंगी, वो आपको दिखाऊंगी मैं कब बनाऊंगी। और ये बाकी खोए के मैं गुजिया बनाऊंगी चाशनी वाली। सबसे पहले मैंने ये बादाम कट कर लिए हैं तो ये बादाम डालूंगी। मेवा आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जितनी भी डालना चाहें, जितनी आपको पसंद हो ड्राई फ्रूट। और ये नारियल मैंने कद्दूकस कर लिया है, इसको डालूंगी। और ये एक कटोरी डालूंगी मैं इसके अंदर देसी खांड, इसको मिक्स कर लूंगी अब मैं हाथ से। इस एकदम मार्केट जैसी गुजिया चाशनी की बनाऊंगी मैं, देख सकते हैं। और ये स्टफिंग तैयार हो गई, और थोड़ी सी देखो इस तरीके से देखो आप, नमी होनी चाहिए खोए के अंदर, बहुत सूखा खोया मत करना। और इस खोए को लाल करके नहीं भूंजना है, जो मैंने पहले वीडियो बनाई उसमें बताया था आपको क्यों नहीं भूंजना लाल करके, क्योंकि ये गुजिया चाशनी वाली बनेगी, ड्राई गुजिया नहीं है। डालूंगी पिस्ता, पहले इसको मैं छील लूँगी, खोए के हाथ से छील रही हूँ, और इसमें मैं ऐसे ही कट करके हाथों हाथ डाल रही हूँ। पिस्ता से बढ़िया टेस्ट और फ्लेवर आ जाता है और एक स्वाद अच्छा आता है। मैंने पहले थोड़े से पिस्ता कट करके रख लिए हैं, वो मैं इसमें डाल दे रही हूँ, देख सकते हैं आप। अब मैं इसको मिक्स कर दूँगी। पिस्ता आप अपने हिसाब से और डालना चाहें तो और डाल लें, और जो भी काजू वाजू डालना चाहें, मैंने तो सिर्फ बादाम, पिस्ता और नारियल डाला है गाइस। अब इसको मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी, अब लगाना ही है मुझे मैदा का एक डो। ये आधा किलो मैदा लिया मैंने और मैदा छान के साइड कर रही हूँ, तब तक बना लेती हूँ चाशनी। ये 250 ग्राम पानी है और 250 ग्राम ही इसमें चीनी है। चाशनी को थोड़ी चला देंगे, गैस का फ्लेम फुल रखना जब तक चीनी ना गले, और उसके बाद तब तक हम मैदा का डो लगा ले रहे हैं।
का डो लगाने के लिए इसके अंदर बड़ी चम्मच भर के करीबन 3 चम्मच इसमें मैंने देसी घी डाला है और इसको मिक्स कर दूंगी और अच्छे से पूरी मैदा के अंदर इस घी को मिक्स कर लूंगी, जिससे कि मोन पूरी मैदा के अंदर मिक्स हो जाए बढ़िया से। घी थोड़ा कम लग रहा है तो इसके अंदर 2 चम्मच घी में और ऐड कर दूंगी, जिससे गुजिया काफ़ी खस्ता बने और अच्छी बने, खाने में एकदम टेस्ट लगे। और मोवन की पहचान ये है कि ऐसे मुट्ठी बांधो और इस तरीके से ये टूट जाए। हमारी चाशनी भी तैयार हो रही है, इसको हम चलाते रहेंगे धीरे धीरे। मैंने ये देख सकते हैं बन गया ना, ये फूट रही है ना मैदा इस तरीके से, डू देखो बन गया ना। अब हमारा मोवन बिल्कुल परफेक्ट पड़ा है और हम इसमें रूम टेम्परेचर पर दूध लेना है, बिल्कुल ना गर्म है ना ठंडा, और इससे हम डो लगाएंगे गुजिया का, मैदा का, ये जो गुजिया जिससे हम बनाएंगे, और धीरे धीरे करके डालें गाइस। पानी ना लगाएं, और चाहे तो आप पानी से भी डो लगा लें, लेकिन दूध से लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा डो लगेगा। और धीरे धीरे करके डालें जिससे गीली ना हो मैदा। थोड़ा सा और डालूंगी मैं, अभी कम है। एक अच्छा सा डो लगाएं, ज़्यादा गीला ना हो ना बहुत टाइट हो। हल्का सा दूध और लूंगी मैं, जिससे कि डो बढ़िया सा एकदम पक जाए। इस तरीके से डो को एकदम चिकना सा बना लो, तभी गुजिया बढ़िया बनेगी। अगर फटाफटा डो होगा ना गाइस, तो गुजिया बढ़िया नहीं बनेगी। और इसको थोड़ी देर के लिए हम इस तरीके से रख देंगे और इस पर हल्का सा घी लगा देंगे, जिससे कि पापड़ी ना आए इस पर, ये रख देंगे। तब तक अपनी हम चाशनी तैयार कर रहे हैं। चाशनी में मैं गाइस थोड़ा सा दूध डालूंगी, जिससे ये गंदगी इसकी हो तो बाहर आ जाए सारी चीनी के अंदर। देख सकते हैं गाइस, दूध डालते ही सारी गंदगी बाहर आ गई जितनी चाशनी में थी। अब इसको हम निकाल देंगे इस तरीके से, और थोड़ी बहुत जो और निकलेगी उसको भी हम निकाल देंगे। जी देख सकते हैं बिल्कुल साफ और एकदम बढ़िया बन गई। और इसको हम हाथ से छू के देखते हैं, अभी नहीं गाइस, थोड़ी सी और इसको बनने देंगे। गाइस चाशनी बन गई है, देख सकते हैं आप, ज़्यादा तार नहीं होना चाहिए, एक ही तार की बनाऊंगी चाशनी। चाशनी में एक तार से भी थोड़ी सी कम, थोड़ी चिपकने लगी, देख सकते हैं आप चिपापन आया है पूरी तरह से। अभी चाशनी और 2 मिनट रखूंगी, उसके बाद फिर मैं इसे निकाल दूंगी। चाशनी गाइस बन गई है एक तार की हमारी, और आप चाशनी की कैसे पहचान करें कि एक तार की है चाशनी, उसके लिए इस तरीके से आप देख सकते हैं, और यूं ले हाथ और ये एक तार बनने लगेगा। ये देखो बन गया ना, एक तार बन रहा है। अब इसमें 1-2 ड्रॉप हम नींबू की डाल देंगे, और वो किस लिए डालेंगे कि चाशनी जमेगी नहीं, 1-2 ड्रॉप ज़्यादा नहीं। फ्लेम कर देंगे बंद, और इस चाशनी को एक बाउल में छान लेंगे, जिससे कि इसमें कुछ भी हो तो निकल आए। अब मैं डो देख रही हूँ, डो कैसा हो गया है देख सकते हैं, ना टाइट है और ना ही ढीला है। अब इसकी बनाएंगे हम पूड़ियाँ, इतने बड़े बड़े डो बना लेंगे, और मैं नए तरीके से बनाऊंगी एकदम। पूड़ियाँ छोटी छोटी नहीं बनाऊंगी, बड़ी बड़ी की बनाऊंगी। ना दिखाओ तो जाके आप देख सकते हैं कि कैसे मैं पूड़ियाँ बनाती हूँ। और मैं पूड़ी बना रही हूँ, देख सकते हैं, आप सोच रहे होंगे इतनी बड़ी पूड़ी क्यों बना रही हूँ। आप देखते जाइए, बिल्कुल स्किप मत करना, गुजिया एकदम मार्केट जैसी बनाऊंगी मैं। ये जो चाशनी वाली गुजिया हैं, इसकी पूड़ी थोड़ी मोटी रहती है, पतली ना करें ज़्यादा। तो पूड़ी बेल रही है, अब गिलास से इस तरीके से मैं कट कर लूँगी, जितनी भी इसके अंदर कट हो जाए पूड़ियाँ। अब इसको एक्स्ट्रा मैदा है, इसको मैं निकाल दूंगी और इसको रख दूंगी, और ये सारी पूड़ी मैं इकट्ठी कर लूंगी और ऐसे ही करके बाकी मैं और बेल लूंगी। ये सारी पूड़ियाँ बन गई हैं, अब इसको हल्का हल्का बेल के हम जितने बड़े साइज़ की हम बनाना चाहें गुजिया, उतने बड़े साइज़ की हम बनाएंगे। ये बहुत छोटी है, भगवान जी के नाम की बना रही हैं पहली गुजिया, और इसको इस तरीके से हम गोट लेंगे,
इस तरीके से। ये मैंने पहले भी बताई है आपको। बन गई, ऐसे ही मैं दूसरी गुजिया बनाऊंगी। बहुत आसान और बहुत इजी बनता है। और गाइस, मैंने गुजिया गोटना आपको तीन चार तरह से बताया था पहले बिना सांचे की, और फिर से बता रही हूँ। और आपने अगर नहीं देखा है तो जाके मेरे वीडियो को चेकआउट कर लेना, मैं लिंक डाल दूंगी, लिख भी उस वीडियो का। और इस तरीके से मैंने कई तरह की गुजिया बनाई है, डिज़ाइनदार कांटे की गुजिया और भी तरीके की। तो ऐसे ही मैं गुजिया ये बना रही हूँ, और आप इस तरीके से ट्रक से बनाएं तो बहुत जल्दी बहुत सुंदर सुंदर गुजिया बनाई है, बहुत बढ़िया बढ़िया डिज़ाइन में। आप अगर ट्राई करेंगे तो बहुत आसानी से बना पाएंगे। और गाइस, पूरी ज़्यादा मोटी और ज़्यादा पतली ना बेलें, आप देख सकते हैं इतनी पतली है। ज़्यादा पतली बेलेंगे तो फट जाएगी, ज़्यादा मोटी बोलेंगे तो खाते पे कच्ची सी लगेगी और टेस्ट नहीं आएगा। इसलिए पूरी की बस इतना मोटा रखें पूरी। मैंने इतनी गुजिया भर ली है गाइस, देख सकते हैं, और भी बना के दिखा रही हूँ आपको। और बाकी सब नीचे रखी हैं, और मैंने इस पर देसी घी डाल दिया है कढ़ाई के अंदर। कढ़ाई के अंदर देसी घी डाल दिया है मैंने गाइस, और अब मैं इसमें तलूंगी गुजिया। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखें, नहीं तो कच्ची रह जाएंगी। और इसमें धीरे धीरे करके गुजिया डालना शुरू करें, और जितनी इसके अंदर आए उतनी ही तलें, नहीं तो फूट जाएंगी। हल्के हल्के इसको पलटते जाएं इस तरीके से, हल्के हाथ से। गाइस, गुजिया सिक गई है और निकाल ली है मैंने, देख सकते हैं आप। और इसको डालूंगी मैं चाशनी में, जो चाशनी मैंने बना के रख ली है। चाशनी ही अभी गर्म है तो इसलिए इसको डिप करूंगी चाशनी के अंदर। और जब तक मैं इसको डिप करूंगी, गाइस इसी तरीके से मैं सारी गुजिया सेक कर, और ये जो मैंने डिप करी है ऐसे ही मैं डिप करके दिखा रही हूँ आपको। देख सकते हैं गाइस, ये सारी मैंने डिप कर दी है गुजिया, और देख सकते हैं इसमें कम से कम, इसमें मैं इसको कम से कम 20 मिनट के लिए ऐसी छोड़ दूंगी। और बाकी गुजिया रह गई हैं, उनको निकालने के बाद फिर मैं इनको डालूंगी। और इसके अंदर अभी मैं उनको निकालूंगी, फिर इनको डिप करूंगी चाशनी के अंदर। तब तक मैं जो बची है वो बाकी सेक ले रही हूँ। गुजिया जल्दी से निकाल लेंगे, नहीं तो इनका क्रंच पना खत्म हो जाएगा। चाशनी भर चुकी है इनके अंदर, तो अब मैं इनको निकालूंगी। देख सकते हैं चाशनी काफी पी ली है गुजिया ने, और निकाल के हाथ हाथ इनके अंदर पिस्ता लगा दूंगी। पिस्ता चिपक जाएगा फिर बाद में नहीं चिपकेगा। ऐसे ही मैं बाकी सारी गुजिया निकाल रही हूँ चाशनी की। गाइस, इस पे पिस्ता डाल रही हूँ मैं, क्योंकि बिना पिस्ते के गुजिया पता ही लगती नहीं कि रेडीमेड है या घर से बनी है। गाइस, अब लगाऊंगी चांदी का बर्क इसके अंदर, गुजिया के अंदर। गाइस, गुजिया बनकर तैयार हो गई है, और मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ कितनी जूसी है। देख सकती हैं कितनी जूसी है और कितनी बढ़िया है। इनवाइट है गाइस, आप भी खाइए। गाइस, हलवाई जैसी चाशनी वाली गुजिया बनाई हुई पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, अपने दोस्तों को शेयर करो, अपनी फैमिली को शेयर करो, और ऑल पर सेलेक्ट करना बिल्कुल मत भूलना। और नहीं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, तो हर आ रहा है बढ़िया बढ़िया चीज़ें बना के दूंगी आपको। होली की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, खुश रहो, मस्त रहो, और बढ़िया बढ़िया बना के खाते रहो। और मिलते हैं एक धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे।